अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल हुदा स्टिचिंग पॉइंट। आज की जो मेरी वीडियो है उसमें मैं आपको कुछ ड्रेसेस दिखाने लगी हूँ जो मैंने अपनी जाना वो नीस के लिए रेडी किए हैं, तकरीबन एक डेढ़ साल की है। तो ये सारे जो है ना, ये लेफ़्ट ओवर पीसीज में से मैंने रेडी किए हैं। तो मैं कह रही थी कि मैं इनकी डिज़ाइनिंग जो है ना वो आपके साथ भी शेयर करूँ। ये देखें, सबसे पहले जो है ना ये फैब्रिक था मेरे पास, तो इस तरह से मैंने थोड़ा सा जो है वो कतान सिल्क का फैब्रिक लेके उसकी जो अम्ब्रेला कटिंग की, और बाकी जो ये मेरे पास एम्ब्रॉयडरी वाला फैब्रिक था उसकी इस तरह से पेटी बनाई है उसकी, और नीचे भी वही की फ्रिल लगा के उसको जो पीको करवा लिया। देखिए थोड़ी सी पीछे से जो है टेल रखी है, क्योंकि ये छोटे छोटे बच्चों को ना इस तरह कपड़े पहने बहुत प्यारे लगते हैं। इस तरह सामने जो है वो बो अटैच की है। ये उसका गरारा बनाया है, ये देखें इस तरह से जो है ना वो गरारा बनाया है, और ये एम्ब्रॉयडरी वाले कपड़े की जो है ना ऊपर अलग शर्ट बनाई है और उस पर बैन अटैच किया है, और नीचे लैस लगा के साइडों पे जो है ना वो डोरी पाइपिंग की है। अच्छा, इसकी मज़े की बात ये देखें, ये ना मैंने बैक साइड पे ना ऊपर से नीचे तक जो है वो जिप अटैच की है, यानी कि जब गरारा पहनेंगे ना, ना तो ये ऊपर जाएगा ना नीचे होगा। बाज़ का जितने बच्चों का बार बार जो है ना वो लहंगा या गरारा जो है ना वो नीचे हो रहा होता है, तो ये बड़ी अच्छी ट्रिक है कि स्लिप को जो है ना वो नीचे वाले लहंगे या गरारे के साथ अटैच कर दे। जिप इसलिए लगाई है क्योंकि समझ नहीं थी आ रही कि गरारा वो पहनेगी कैसे, लहंगे में तो जिप की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन इस तरह से जो है ना ऊपर अलग शर्ट रेडी की है, बाजू वगैरह सब कुछ नीचे वाले के साथ ही अटैच की है। ये जो वो अंगरखा स्टाइल में बनाया है, ये कतान सिल्क का ही फैब्रिक बचा हुआ था। इस तरह से ना अंगरखा स्टाइल में उसके ऊपर लैस अटैच की है, टसल अटैच किए हैं, और साथ ना इसके ट्यूलिप शलवार रेडी की है। टसल वगैरह मैंने साथ जो है ना वो फिक्स कर दी है ताकि ये लटके ना, क्योंकि बच्चे जो है ना वो बार बार गिरा वगैरह लगाएं तो बच्चे बार बार खोल देते हैं, इसलिए उसके साथ जो है ना पक्की सिलाइयाँ लगा दी हैं। ये देखेंगे एक और ड्रेस है, इस तरह से इसके ऊपर जो है ना जरी की लैस जो है वो अटैच की है, पीछे से आगे तक जो है ना इस तरह सीधी लैस अटैच करके, और गले पे भी पीछे भी की है, आगे भी की है, बाजू पे की है, और नीचे इस तरह से जो है ना वो दो लेसेस जो अटैच की हैं, और दरमियान में ये पत्तियाँ लगाई हैं। ये सारी चीज़ें बड़ी ईजीली अवेलेबल होती हैं। देखिए ना, ये शलवार का पैच बचा हुआ था, उससे मैंने इसकी जो है वो पेटी रेडी की है। टॉप का पार्ट जो है ना वो ट्राउज़र का था पैच, उससे रेडी किया है। आगे जो है स्लिट बना के बटन लगा लिया, और ये सिल्क के फैब्रिक से जो है ना वो बैक रेडी किया है, बाजू किए हैं, और बिल्कुल थोड़ा सा ये नीचे लगाया है क्योंकि ये भी पैच जो है ना वेलवेट का उसी सूट में से ही था। ये देखिए एम्ब्रॉयडरी दोनों की ना सेम हुई हुई है। एक जो है ना वो ड्रेस रेडी किया है इस तरह से जो है ना वो, यानी कि बॉर्डर सबका सेम लाते हुए बिल्कुल ऐसे लग रहा है, यानी कि इकट्ठा ही है, हालांकि दरमियान की कली अलग है और साइडों की जो कलियाँ ना वो अलग है। इस तरह से दरमियान में और साइडों पे दो दो कलियाँ डाल के जो है ना वो मैंने इसको रेडी किया। ये ना बच्चों को इस तरह के कपड़े पहनने बड़े प्यारे लगते हैं, कोई शादी वगैरह हो या वैसे घर में फंक्शन हो तो बच्चों ने इस तरह कपड़े पहने हो बड़ा प्यारा लगता है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द पहुंच जाए।